अभी मैं आपको अपना राज दिखाने वाला हूँ। आखिर मैं यूट्यूब में यहाँ तक किसके सपोर्ट से यहाँ तक आ पाया हूँ भाई, अभी इस फोन से जी हाँ, OnePlus Note 2। इस फोन से मैंने अभी करीब अपने चैनल पे 58.5K सब्सक्राइबर हिट कर चुके हैं, और ये करीब 7 साल पुराना फोन है भाई, ये 7 साल पुराना फोन है। तो गाइस, हर सुबह की तरह आज एक फिर से नई सुबह जो कि एक नया उम्मीद लेकर आई है। तो गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो मैं सुबह उठते ही अपने जतरा को सही करने के लिए, यानी अपना लक सही करने के लिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने छत पे। और क्यों, वैसा आपको पता ही है, क्योंकि छत पे मेरे यहाँ पर फिशेस में रखा हुआ हूँ, और पता है फिशेस को देख कर हम लोग का लक सही होता है, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले मैं फिश को खाना दे देता हूँ। और हाँ, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है आज कौन सा टॉपिक होने वाला है भाई, तो उस पे आते हैं। तो सबसे पहले फिश को खाना दे देते हैं भाई साहब। देख सकते हो इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे भाई। तो गाइस, देख सकते हो अभी धूप नहीं था और जस्ट सूरज चाचा आ चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं एक आईफोन लेने के लिए। और आखिर आईफोन का प्लान अचानक बना कैसे, तो भाई पहले प्रेजेंट देखने से पहले इसका पास्ट जान लो। आखिर आईफोन के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, और सच बता रहा हूँ, अगर आप क्रिएटर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भरा होने वाला है ये वीडियो। तो चलो मैं आपको अपना पास्ट दिखाता हूँ। आखिर गाइस, अभी मैं आपको अपना राज दिखाने वाला हूँ। आखिर मैं यूट्यूब में यहाँ तक किसके सपोर्ट से यहाँ तक आ पाया हूँ भाई, आप लोगों का तो सपोर्ट है ही, और जो मतलब शुरू से जो मेरे 0 सब्सक्राइबर थे उस टाइम से जो अभी तक भाई साहब अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं, उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ। तो भाई साहब, वो रहे ये, जिसमें से एक फ़ोन गायब है जो कि Realme 3 Pro था, जो कि मेरा फ़ोन था, जो कि मुझे बेचना पड़ा था ये OnePlus लेने के लिए, क्या क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो गाइज, ये 3 फ़ोन हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से फ़ोन है, आप सुनकर चौंक जाओगे। पहले इस मोबाइल का कंडीशन देखो, देखो क्या हाल हो चुका है भाई। ये देख लो, ये मैक्रोमैक्स का फ़ोन है और ये अभी वर्किंग कंडीशन में भाई, देख लो 10-26 टाइम दिखा रहा है, क्योंकि ये मैं अभी चार्ज किया हूँ इसको, इसको मैं ऑन करके नहीं रखता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसको चार्ज किया हूँ, और देख सकते हो। और ये करीब 7 साल पुराना फ़ोन है भाई, ये 7 साल पुराना फ़ोन है, जो कि मुझे मिला था मेरे दीदी से, मतलब दीदी से मिला नहीं था, वो ली थी और कुछ साल यूज़ करने के बाद मैंने उसे हथिया लिया था, वो घर पे आई थी, फिर मैं इसे ले लिया था और मुझे मिल भी गया था बड़ा आसानी से। और इसका यूज़ मैं कहाँ करता था, पहले देख सकते हो, अभी इसका देख रहे हो, अभी भी भाई चल रहा है भाई साहब, अभी भी चल रहा है। और ये क्या यार, धूप भी अभी आना था, देखो भाई साहब धूप आ गया यार। मैं नीचे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला हो रहा था, क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। अरे यार बंद हो जाए यार, कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद ये फ़ोन हो गया, उसके बाद मैंने Realme 3 Pro लिया था, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है, और उससे मैंने अपने चैनल का शुरुआत किया था भाई, जो कि करीब हो रहा होगा 2017 का टाइम हो रहा होगा। और उससे मैंने करीब, अब जब मैं उस पर वीडियो अपलोड करता था उस मोबाइल से, तो इस मोबाइल से अपने ही वीडियो को देखा करता था, क्यों, क्योंकि इनिशियल टाइम था, तो थोड़ा सा अपने चैनल पे अपने वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए इस मोबाइल से मैं बहुत सारे जीमेल बनाकर देखा करता था अपने वीडियो को। तो वो दौर तो अब ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मेरा लाइफ में एंट्री मारता है Realme 3 Pro के बाद ये मोबाइल, जो कि ये मोबाइल से मैंने भाई, सच में ये मोबाइल जब OnePlus आया उसके बाद मेरा लाइफ ही चेंज हो गया, क्योंकि मैंने OnePlus जो मोबाइल लिया था वो मैं इसीलिए लिया था कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, और मैं घर वालों से लड़के लिया था भाई, कोई भी इतना महंगा मोबाइल मतलब दिलाने में तैयार नहीं थे भाई साहब, मतलब बोल रहे थे कि क्यों, क्या इतना महंगा लेने का क्या ही ज़रूरत है, लेकिन मुझे लेना था तो लेना था भाई। तो फिर मैंने ये फ़ोन ले लिया। उसके बाद मैं इससे जो मेहनत किया अपने चैनल पे भाई, करीब ये जो फ़ोन लिया था, मेरे चैनल पे करीब 350 सब्सक्राइबर होंगे, और अभी इस फ़ोन से जी हाँ, OnePlus Note 2, इस फ़ोन से मैंने अभी करीब अपने चैनल पे 58.5K सब्सक्राइबर हिट कर चुके हैं, और आज भी मैं इसी फ़ोन से अपने वीडियो को एडिट करता हूँ। उसके बाद फिर ये फ़ोन का एंट्री आता है, जो कि मेरे भैया का फ़ोन है, जिसे मैंने हथिया लिया है,
और ये फोन फिर किससे मैं किस लिए यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसमें मैं रेगुलर काम करता हूँ, उससे मैं सारा एक्सेस इस मोबाइल में रहता है और इस मोबाइल से ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थोड़ा हवा चल रहा है तो उसका थोड़ा मैनेज कर लेना गाइस। तो इसी से मैं उस पर वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, मतलब अपलोड वगैरह सारा चीज़ इसी से करता हूँ, जो कि ये रियलमी का नार्जो 20 है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का सीन हो गया। और भाई देखो, जो इस मोबाइल ने जो मेरा साथ दिया है, और ये मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ क्यों बना रहे हो, तो भाई ये बस मोटिवेशन पर्पज़ के लिए है, क्योंकि मतलब एक कोई भी चीज़ का शुरुआत जीरो लेवल से होता है, एक बार में ही कोई राजा नहीं बनता है, और राजा बनने के लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने पड़ता है भाई साहब, और जो कि मेरा अभी मेहनत चल रहा है और आप लोग का प्यार और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो फिर जब मेरे सब्सक्राइबर जब गेन उतना बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मेरे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे बोलने लगे कि भाई साहब अपना क्वालिटी इम्प्रूव करो। तो फिर क्या था, मैंने अचानक प्लान बना लिया। जी हाँ, अचानक मतलब रेंडमली मैं ऐसे ही गया था देखने और मुझे आईफोन पसंद आ गया, फिर मैंने ले लिया। और मतलब यही कहानी है, देख लो अभी वहाँ पर वो फ़ोन पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं यहाँ तक भाई साहब कैसे आया हूँ। मेरा स्ट्रगल पीरियड बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहा है और अभी भी मैं फिलहाल स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, वैसा कोई खास वो नहीं मिल चुका है। तो चलो अब आईफोन का अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं। आई फाइनली आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, और आपके भाई आप जो लाइक और सब्सक्राइब करते हो उससे मोटिवेट होकर आपका भाई फाइनली आपको क्वालिटी इम्प्रूव देने के लिए भाई आईफोन ले लिया है। और भाई सेकंड हैंड लिए, भाई नया नहीं लिए, उतना आपके भाई का अभी वो नहीं हुआ है, बस हो जाएगा, मेहनत चल रहा है भाई। आप लोग का तो प्यार पूर्ण सपोर्ट है ही मेरे पास। तो भाई फाइनली ये देखो, ये भाई ने पर्पल कलर का ले लिया भाई, 12 मिनी लिया है, अच्छा डील मिल गया, ले लिए। शॉप का जो नाम है मोबिलियो शॉप, जो कि पटना का V2 मॉल है भाई साहब, उसके नीचे आपको मोबिलियो शॉप मिल जाएगा। और भाई सच बता रहा हूँ, यहाँ V2 के पास जितना सारा मोबाइल स्टोर है पूरा जगह पर चेक किए, लेकिन यहाँ जो डील मिला भाई, एक बार में आया बोले भैया पैक दीजिए, ऐसा डील मिलता है भैया। ये भैया काम कर रहे, भैया एक बार फुटेज दे दीजिए, ये भाई फाइनली ले लिया है आपका भाई, फाइनली ले लिया है। अब फटाफट चलते हैं भाई घर, खुजली हो रहा है भाई इसे ब्लॉगिंग करने का भाई। अभी मेरा दोस्त का फोन से हो रहा है S23 से भाई, वो लेने का मन था लेकिन भाई तेरे भाई के पास अभी वो नहीं है। एक भैया मिले जो कि मुझे ऑफर कर रहे हैं, भाई आओ मेरे साथ और बाइक राइड करो, ये रहे भैया जो कि ऑफर किए हैं, तो जरूर इनके साथ एक बार राइड करेंगे भाई। हाँ थोड़ा डिले होगा क्योंकि अभी थोड़ा ब्लॉग बहुत ज्यादा ही पेंडिंग चल रहा है भाई। तो ये रहे भैया, नाम बता दीजिए भैया, पटना MD अरशद आलम के नाम से रहेगा गाड़ी। हाँ भाई, तो अब फाइनली यहाँ से आईफोन ले ही लिए हैं, उसके बाद आपका भाई बहुत जल्दी मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला है भाई, तो भाई से मिलेंगे बहुत जल्दी ही मिलेंगे भाई। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के। और अगर मैं आपके प्यार के लायक हूँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो धन्यवाद ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए। मेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ।